the choices you made, did you make them again? Hey guys, तो आज हम करने जा रहे हैं दो स्मार्टफोन का, दो सेम प्राइस के स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्ट, और दोनों में मैं कुछ म्यूजिक प्ले करके आपको सुनाऊंगा। तो गाइज, एक तरफ है मेरा पुराना मैक्स प्रो M1 3GB वेरिएंट, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 7,999 रुपए में, और दूसरी तरफ है रियलमी 3i, ये भी है 3GB वेरिएंट, और ये भी आपको मिल जाएगा 7,999 रुपए में। अब कुछ स्पेक्स आपको दिखा देता हूँ, वैसे आपको स्पेक्स के बारे में पता ही होगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है आपके सामने आ जाए। तो गाइस, रियलमी 3i में आपको मिलेगा 6.22 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, 720p डिस्प्ले, एंड दूसरी तरफ मैक्स प्रो M1 में आपको मिलेगा फुल HD+ डिस्प्ले 5.99 इंचेस का। यानी डिस्प्ले आपको रियलमी 3i में बड़ा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको मैक्स प्रो M1 में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। अब बैटरी के बारे में आपको बता दूं कि मैक्स प्रो M1 ऑफर करता है 5000mAh की बैटरी, तो दूसरी तरफ रियलमी 3i में 4230mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस, कैमरा जब तक रिजल्ट हमारे सामने ना हो तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेगापिक्सल की अगर बात करूँ तो आपको रियलमी 3i में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, एंड फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का। दूसरी तरफ मैक्स प्रो M1 में आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, और फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। एंड गाइस, अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो रियलमी 3i में आपको देखने को मिलेगा MediaTek का हीलियो P60 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, तो दूसरी तरफ मैक्स प्रो M1 में आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टोकोर प्रोसेसर। तो गाइस, दोनों का स्पीड टेस्ट बनता है, सेम प्राइस का है और काफ़ी सिमिलर टाइप का डिवाइस है, तो चलिए हम दोनों में कुछ ऐप्स ओपन करते हैं, फिर उसे रीलॉन्च करेंगे और बाद में कुछ म्यूजिक प्ले करेंगे, देखते हैं किसका स्पीकर ज़्यादा बेटर है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636, और यहाँ पे मीडियाटेक का प्रोसेसर 32GB है, एंड रैम जो है दोनों में 3GB है। दोनों को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। रियलमी 3i में जो गेम स्पेस है ना, उसमें से मैंने तीनों गेम्स जो भी मैंने यहाँ पे स्पीड टेस्ट के लिए डाउनलोड किया है उसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हो कोई भी गेम मैंने ऐड नहीं किया है गेम स्पेस में।
choices you made, would you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again? All the lies that you told, did you believe in them?